नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं, जहां पर आपको इंटेलिजेंट ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है 2018-19 में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वैकेंसी की पूरी डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। इसलिए दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम अपना ब्राउजर ओपन किए लेते हैं। ब्राउजर पर आपको गूगल ओपन कर लेना है, ठीक है ना। गूगल पर आपको सिंपली टाइप कर देना है सरकारी रिजल्ट। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट टाइप करोगे तो आपके सामने पहली लिंक अवेलेबल होगी www.sarkaririzult.com, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहली लिंक पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पहली लिंक पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको sarkaririzult.com का इंटरफेस देखने को मिलेगा। थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला होगा रिजल्ट का, दूसरा होगा एडमिट कार्ड का, तीसरा होगा आपका लेटेस्ट जॉब का, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर आपका रिजल्ट जिस भी रिक्वायरमेंट, नई रिक्वायरमेंट या पुरानी रिक्वायरमेंट, जो भी अभी करंट में रिजल्ट आएंगे वो सारे के सारे इसी कॉलम में आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो भी करंट अभी अवेलेबल में एडमिट कार्ड आएंगे वो सब कुछ इसी एडमिट कार्ड के बॉक्स में आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद जितनी भी लेटेस्ट जॉब निकलती रहती है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आईवी इंटेलिजेंट ब्यूरो की भी रिक्वायरमेंट आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ से दिक्कत हो रही है देखने में, तो देखिए ऊपर की तरफ जो करंट में ज्यादातर जिनके फॉर्म डल रहे हैं जिन रिक्वायरमेंट की, वो रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि आज हम बात कर रहे थे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है ना, यानी कि इंटेलिजेंट ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको देखिए ग्रीन कलर से एक लिंक दिख रही होगी जहाँ पर मेरा माउस का कर्सर जा रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर इंटेलिजेंट ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी डिटेल्स वगैरह होती है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर 20 अक्टूबर 2018 से यहाँ पर फॉर्म डालना स्टार्ट हो गए थे। 10 नवंबर 2011 इसकी लास्ट डेट दी गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जो इसकी एग्जामिनेशन डेट होगी वो नोटिफिकेशन सून बता रहा है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड की भी डेट नोटिफिकेशन सून बता रहा है, आप इसी वेबसाइट पर चेक करते रहिएगा इसके बारे में एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट की। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सून की जगह पर डेट लिखी आने लगेगी, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं फीस की। तो यहाँ पर जनरल ओबीसी के लिए ₹50 की नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू आप बड़ी ही आसानी से इसकी पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फ्री फीस है, ठीक है ना। कुछ भी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, आपको सिंपली यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों थोड़ा और नीचे की तरफ चलते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर जनरल के लिए 620 है, ओबीसी के लिए 187, एससी के लिए 160 है, एसटी के लिए 87, और टोटल यहाँ पर 1054 रिक्वायरमेंट निकाली गई है, ठीक है ना। 1054 रिक्वायरमेंट निकाली गई है। यहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी 27 ईयर रहेगी। 10 नवंबर 2018 के हिसाब से आपको जो आपकी एज होती है वो 27 क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम क्वालिफिकेशन और मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है, ठीक है ना। यहाँ पर सिर्फ आपको 10th पास ही चाहिए और लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों थोड़ा और नीचे की तरफ आते हैं, तो देखिए यहाँ पर जगहों पर किस जगह में कैसी क्या रिक्वायरमेंट है सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ बारीकी से दिया गया है। थोड़ा और नीचे की तरफ आते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ जरूरी लिंक मिल जाती है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और बीच में आपका फॉर्म या फिर वेबसाइट किसी तरह से काम नहीं करती है तो आप दोबारा से ईमेल आईडी पर जाकर अपना लॉगिन कर सकते हो दूसरे नंबर के ऑप्शन से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया गया है जहाँ से आप अपने एग्जाम फीस पे कर सकते हो। इसके बाद नोटिफिकेशन भी दिया गया है, नोटिफिकेशन में सब कुछ आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। एज लिमिट क्या कैसी क्या है और एस सी एस टी में एज लिमिट की कैसी क्या छूट दी गई। दोस्तों मैं आपको फ्री बता देता हूँ कि यहाँ पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट दी गई है एज लिमिट में, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हो तो लास्ट में आपको लिंक मिल जाती है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन दिख रहा है क्लिक हेयर का, आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। दोस्तों आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो बटन दिया गया है सिंपली यहाँ पर क्लिक करें
जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्म सारे स्टेप भर देने, इसके बाद लास्ट में डेट ऑफ बर्थ और पिक्चर आईडी डालकर यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन का आईडी और पासवर्ड दोनों ही सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पर पहुंच जाता है तो आपको देखिए उसी पेज पर वापस आ जाना है, दोबारा से यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो दोबारा से हमें वही पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना है जो ईमेल आईडी पर आया हो। इसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको पिक्चर आईडी डालकर यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक ना। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपको पेरेंट्स डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स और एड्रेस डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, ठीक है ना। इसके बाद फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों एक चीज मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अगर आप जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हो तो आपको एक दिन बाद, ठीक है ना, नेक्स्ट वर्किंग डेज में आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आप अगर चाहते हैं कि एक ही दिन में आपका पूरा फॉर्म हो जाए तो नहीं हुआ, सिर्फ एससी और एसटी वालों का ही और फिजिकल हैंडीकैप वालों का ही एक दिन में पूरा फॉर्म कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको पेमेंट के लिए एक दिन का वेट करना होगा, दूसरे दिन बड़ी आसानी से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ आ ही गया होगा कि इस रिक्वायरमेंट के लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको किसी भी तरह की समस्या आती है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी सभी सवालों का जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।